शांति कवि और स्वीकृति के कार्य में मित्रों आपका स्वागत है साहित्यकार साहित्यकार वो चीज वो एक रचना है जिसमें बड़े बड़े अनुभवी अपनी बातें लिखते हैं अपनी कविताएं लिखते हैं या फिर कहा जाए कुछ ऐसी रचनाओं का उल्लेख करते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता साहित्यकार चिरा किताब में से ली गई एक कविता है जिसके लेखक यशपाल शर्मा जी पठानकोट से हैं आज वो फिर इस कविता के कुछ भाग को लेकर हमारे इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए हैं मैं आपका आप उनका आइए स्वागत करते हैं यशपाल शर्मा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टडी में बुलाकर कुछ कहने का मौका दिया जी आप पिछली कड़ी में साहित्यकार के बारे में बात कर रहे थे जी हाँ। आज भी हम वही कविता लेकर इस कड़ी में आए हैं आपकी अगली पंक्तिया इस प्रकार है वाल्मीकि हाँ। और तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम कथा बनाई कहीं सूर और मेरा बाई नागर महिमा गाई गुलामी के विकट समय में जन चेतना को है जगाया बंकिम चंद्र बंदे मातरम जय घोष देश में फैलाया साहित्यकारों ने अपनी कलम से शब्दों से बम गोले बनाए जो मिटे आजादी की क्षमा पर लोगों तक पैगाम पहुंचाए उल्ला उत्साह प्रेरणा जन जन में कूट कूट हृदय थी भर दी बलिदानों से वीरों ने गोरों गोरी विचलित थी सरकार सरकार कर दी और शब्द शिल्प के रचनाकार अद्भुत तुझ में है करामात जो शक्ति चेतना तेरी कलम में तलवार में नहीं है वो बात जहाँ राष्ट्रवादी लेखक सजग वहाँ देश प्रेम जगाते हैं मुक्त जीवित विकसित जाति कर्तव्य बोध कराते हैं नाम तेरे पर कल को बंधु सम्मेलन करवाएं जगाएंगे जीवन घोषित अभावग्रस्त मृत तन रेशम से सजाएंगे आपने यहां पर जो शक्ति तेरी इस कलम चेतना है वो तलवार में वो बात नहीं लेकिन तलवारों ने तो इस भारत को आजाद करने के लिए कई लोगों की तो गर्दनें काट दी है।, जी है और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि सच में ये बात वो है कि जो आप के शब्दों में जो रचनाकार है जो आपके शब्दों में ताकत है वो शब्द सुनकर के कई लोगों के तो रोंगटे भी खड़े हो जाते होंगे जी। दोनों बात है तलवार में भी वो बात है जो गर्दनें कट गई और आपके शब्दों में भी वो बात है जिससे कि एक आपने बोला कि मृत्यु जीवित विकसित जाति कर्तव्य बोध कराते हैं मृत्यु जीवित विकसित जाति ये चार शब्द आप तीन शब्द जो आपने लिए हैं इस कविता में क्या सोच समझकर आपने ये कविता बनाई जब कर स्वामी भाव स्वामी स्वाभिमान को बोलती है जी तो उस समय जगाने में सिर्फ एक रचनाकार ही समर्थ होता है भारत का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम अठारह में हुआ तो उस समय हमारी जो जाति थी देश भारत था कई रियासतों में बंटा हुआ था तो उनके स्वाभिमान कुछ गाने के लिए कोई ना कोई तो खड़ा होगा जी। मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था तो उसे जब ये पता लगा कि हमें कारतूस को खोल करके जब हाँ बंदूक में डाला जाता है वो मुँह से खोलना पड़ता था उसमें सुअर गाय का मांस लगा हुआ था गोरे चाहते थे कि अब अगर हिंदू खोलेगा तो तभी गाय का मांस है अगर मुस्लिम खोलेगा तो इसमें सुअर का मांस है जिसे वो पवित्र मानते हैं तो जब ये बात उसके मन में आई तो उसने कहा कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जे हमसे बर्दाश्त जे हमसे बर्दाश्त नहीं होता के गौ को हिंदू लोग एक माँ के रूप में देखते हैं क्यों देखते हैं यह भी पता होना चाहिए बिल्कुल कि जो गाय का दूध है वो बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए वो बहुत ही एक अमृत समान है जी भैंस का दूध है वो उसमें इतनी डेंसिटी होती है इतना गाढ़ा होता है कि वो हरे के लिए ही नुकसानदायक है इसीलिए बच्चों को गाय का दूध ज्यादा मोल पे लेकर के जो समझदार माँ बाप है वो पिलाते हैं हमारे घरों में ज्यादातर गाय होती थी ब्रज की बात करें हम तो भगवान कृष्ण ने गऊ चराई है भैंसें नहीं चराई हैं जब भी हमको फोटो देखते हैं तो कृष्ण के साथ गाय होती है और उनके हाथ में एक बांसुरी होती है जी। तो हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी वो गाय के साथ जुड़ी हुई है ऐसा भी कहा जाता है कि जब सागर मंथन हुआ समेरु सवेरु पर्वत को उसमें मथनी लगा करके शेष उसकी रस्सी बना एक तरफ राक्षस लगे और दूसरी तरफ जो देवता थे वो लगे उसमें चौदह रत्न निकले उनमें उनमें से एक उसमें कामधेनु भी थी कामधेनु उस गाय को कहा जाता है कि आप जो कहते हैं वो आपके लिए तैयार कर देती है अच्छा। तो ये पदार्थ चाहिए वही वो बहुत प्यार करके देती उसे बोलती है उसे बोलते हैं काम थे तो जब स्वाभिमान खत्म होता है तो समझे जाति मिटने वाली है तो उसी मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध जैसे उसने विद्रोह किया अंग्रेजों दबाने की कोशिश की तांतिया टोपे नाम का एक वीर योद्धा था और उसी के साथ लक्ष्मीबाई थी जिसे दत्तपुत्र लेने का अधिकार नहीं था अंग्रेज ऐसी पॉलिसियाँ बनाते चले जा रहे थे कि जितना संपूर्ण भारत है वो हमारे कब्जे में आ जाए और हम इसको मतलब इस पर राज करें हम और उसका जब विरोध हुआ तो महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो सुमद्रा कुमारी चौहान ने कवित्री लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी यो वीर जोधाओं से भी बढ़िया बढ़िया लिखी वो एक विरोध था एक न्याय का एक पाप का एक एक षड्यंत्र का कि अंग्रेज कौम जो है जे जे षड्यंत्र करके हमारे स्वाभिमान को हर वंश को बिटाने जा रही है तो मृत प्राय हुई उस समय जो जाति थी वो मृत प्राय थी जिसमें स्वाभिमान नहीं था तो स्वाभिमान की चिंगारी जब उठी तो शतावन जो अठारह सौ सतावन का युद्ध था वो कोशिश तो हुई किंतु समूहक रूप से उस समय किसी ने हल्ला नहीं मारा दूसरी जो रियातें वो तमाशा देखती रहीं अंग्रेजों ने उनको लालच दिया हम आपको ये देंगे वो देंगे वो लालच के लालच के मारे अगर सब उस समय विद्रोह करते तो हिंदुस्तान उस समय अठारह सौ एक सौ साल पहले ही आजाद हो चुका होता किंतु नहीं हुआ ये जो कार्य है स्वाभिमान का स्वतंत्रता का बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है और एक बात और सबराज शब्द सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया था कि हिंदुस्तान में सबराज चाहिए अपना राज चाहिए और उसी को लेकर के उन्नीस में रावी नदी के किनारे लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की प्रधानगी में एक मता पास किया गया राउल्ट एक्ट के विरोध में कि ये लोग हमें मार देंगे हमें खत्म कर देंगे हमारे स्वाभिमान को खत्म कर देंगे पूर्ण स्वराज का मतलब वहाँ पास किया गया था रावी नदी के किनारे के ऊपर किया गया था और गंगा से रावी नदी का जल लेकर के कस्में खाई गई थी कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा हम अपनी आज़ादी हम स्वराज को प्राप्त नहीं करेंगे अंग्रेजों को जहाँ से निकालेंगे और अपना राज यहाँ लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित करेंगे तो उस समय ये सारे कार्य जो किए इसके पीछे कितनी जो पत्रिकाएं थीं समाचार पत्र थे वो जब चले तो अंग्रेज तिरमलाए जितने जो जो भी उनके खिलाफ लिखता स्वतंत्रता के हक में लिखता और उस समय जो नेता थे जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू महात्मा गांधी सरदार पटेल जी और जो नेतागण थे वो उनमें उनके पीछे जनता पूरी पूरी की पूरी होती चले गई गांव में एक रोष फैल गया तो मैं बात यही भी करता हूँ कि हमारा भारत सबसे पहले भी आज़ाद हो सकता था वो तो क्यों नहीं हुआ गांवों में अगर 80 प्रतिशत जनता रहती रहती थी उस समय अगर 80 प्रतिशत तो लोग ही जाग जाएं और शहरों वाले बीस ना भी जागें यानी एक बड़ा चार अगर अगर तीन बड़ा भाग जागता है तो एक बड़ा जो एक बटा चार जो एक बड़ा पांच पीछे रह जाता है चार बटा पांच जागा एक ना भी जागे तो कोई बात नहीं लेकिन उसको जा, जागने की जागने लिए? दिया ही नहीं जी जी उस समय जो जगीरदार थे जो रईस लोग थे जिनको बड़ी बड़ी ने। जगीरें दी थी इन्हें अंग्रेजों ने बड़े बड़े औहदे दिए थे बड़े बड़े लालच दिए थे उनको कुछ भी करने का समाज में समाज में जो किसान थे उनकी बहु बेटियों के साथ जो वो जो वो जिस पे मान आता था उसे खींच लेते थे उसी अपनी हवस का शिकार बनाते थे रोना किसके सामने है एक सरकारी अधिकारी के आगे रोना है वो तो आगे बिके हुए हैं उनके सामने कोई कोई सुनवाई नहीं होती थी मार दो काट दो उन्हें कहीं भगा दो कोई पूछने वाला नहीं था तो भारतीयों पीछे इसलिए खींचा और शब्दों के जो बम थे बनाने वाले शायर लोग थे कवि थे हमारी अखबारें थी और इसमें आजादी के लड़ाई को भड़काने में आजादी के लड़ाई का जो लड़ाई का जो संघर्ष था उसे उसे आगे ले जाने में फिल्मों ने भी कुछ काम किया और हमारे नौजवान जब जागे भक्त सिंह राजगुरु सुखदेव इसी तरह और नौजवान उनके पीछे चले मुहिम चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई और आखिरकार हिंदुस्तान को आज़ाद होना पड़ा सो so, ये जो शब्द हैं कि प्राय स्वाभिमान जागता है तो आदमी जीवित होता है जब स्वाभिमान मरता है तो आदमी मरता है कौम मरती है तो स्वाभिमान को जगाने के लिए उस समय के जो गीतकार थे जो शायर थे और जो अखबार थे उन्हें वो काम किया तो इसके पहले आप बोल रही थी कि राम का जो चरित्र है हाँ वाल्मीकि और तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम कथा बनाई कहीं सूर और मीराबाई गिरधर नगर महिमा गाई गुलामी के विकट समय में ये चेतना को है जगाया बंकिम चंद्र बंदे मातरम जय घोर देश में फैलाया सबसे पहली रामायण जो है वो वाल्मीकि लिखी कहते हैं कि वाल्मीकि ने वो त्रिकादर्शी थे ब्रह्मज्ञानी थे उन्होंने ये सब कुछ होने से पहले ही रामायण रच दी थी जो कुछ हुआ था राम का जन्म सीता स्वंबर और लं और सीता का अपहरण होना लंका में युद्ध होना और फिर सीता का निर्वासन होना निर्वासित होना और साथ में लब और कुश के साथ उनका युद्ध होना और वीर हनुमान जैसों को उनका बांधना और सारी सेना को परास्त करना अंत में आराम का वहाँ आना और सम्मान सहित लेके उनको जाना और अंत में सीता कहते हैं कि वह जमीन से उनका जन्म हुआ था और वे आखिरकार में वो जमीन में ही समाई जाती है समाई जाती है तो ये इतिहास रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा और दूसरी रामायण जो इस समय काफी प्रसिद्ध है और लोग रामायण का पाठ अखंड पाठ करवाते हैं तुलसीदास की रामायण को मानस किया कहा गया है तो राम हमारे हिंदू जो समाज है उसके लिए वो एक आदर्श है परिवार कैसा हो हमारे हमारे परिवार में पुत्र कैसा हो आराम जैसा भाई कैसे हो वो लक्ष्मण और भरत और शत्रुघन जैसे और पिता कैसा हो दशरथ जैसा आराम जाता है वो प्राण त्याग देते हैं बहुएं कैसी हों सीता जैसी जो सचित्र हैं जो पति की छाया की तरह चलती हैं ऐसी जी हमारी ये संस्कृति है ये सारा कुछ रामायण में है और तुलसीदास रामायण में उस कथा के साथ साथ बहुत पते की कुछ बातें कही उन्हें एक जगह पे लिखा के करी कृपा हरि न दे ही इस देत बिन हेत स्नेही चौरासी के चक्कर के बाद जब इंसान को मानस चोला मिलता है तो भगवान जे को लालच में नहीं उसे देता मानस चोला द्वारा वो कहता फिर तू अपना उद्धार कर ले ये तुम्हें फिर मैं मानस दे देता हूं। और एक मानसदेही ऐसी है जिसमें आदमी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है उसका आ, पूजा बंधन कर सकता है और कोई ऐसी बाकी जितनी जोनिये हैं वो सारी जड़ जोनिए हैं वो सिर्फ अपने एक स्वभाव के अनुसार काम करती हैं उन्हें अपने नए कर्म बनाने का या पिछले काटने का कोई उनके पास रास्ता नहीं है अगर रास्ता है तो सिर्फ मानव के पास ही है एक जगह और उन्होंने लिखा है के सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाही कि जिस तरह से इंसान के कर्मों का कर्म होंगे उसी तरह के वो वो वो, वो, वो पदार्थ पा सकते हैं और वाणी में भी ऐसा आता है कि जो जो कपड़ा है इस तन का वो अपने अनुसार मिलता है कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नान कह में जानिए सब आपे सचियार बनाने वाला एक है और जो भी बर्तन बनाने वाला है उसके लिए जो सारे हैं वो एक बराबर से बनाता है बनाता है आगे उसने सुख भोगना है दुख भोगना है संजोग जो है जीवन कैसा चलना है वो उसके कर्मों के हिसाब से है सूर सा एक बात और तुलसीदास ने लिखी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो उस समय हमारी जो संस्कृति है जो सभ्यता है कि काल उठे ही लगना था माता पिता गुरु भी ही ना था माता पिता और गुरु को उठ करके राम जी जाके माथा नवाते थे प्रणाम करते थे ये हमारा एक इतिहास है आज ये सब कुछ बहुत कम परिवारों में देखा जाता है कि सुबह उठ करके बेटा जब बहू अपने सास ससुर को प्रणाम करे या अपने पति को आ, को सामान दे या बच्चे बच्चों को जेस सिखाया जाए क्या सिखाते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या है राम राम क्यों नहीं राधे श्याम क्यों नहीं जय भवानी क्यों नहीं दसवीं गुरु की बात करते हैं आजकल का फैशन का जमाना है एक फैशन है और एक शब्द और मुझे समझ नहीं आता वो आया कहाँ से है अनपढ़ लोग थे यार शब्द की क्या परिभाषा थी कि स्त्री का जो या जुप्ती का किसी के साथ जो उसका संबंध होता था प्यार था उसे उसे यार बोलते थे कि ये कुड़ी का यार है या लड़के एक दूसरे को कहते यार आ यार शब्द जाता था आज हमारे परिवारों में नौकर है तो मालकन कह रही है यार इधर आना भाई बहन को यार कह रही है पति अपनी पत्नी को यार कह रहा है ये यार शब्द ऐसा एक कॉमन सा हो गया मुझे शब्द, शब्द समझ नहीं आता कि लोग पढ़ कर के भी उन्हें पता नहीं भाई यार शब्द का अर्थ है क्या भाई बहन को और बहन भाई को कह रही है जी कहते बात है हमारे पास शब्दों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है शब्द बहन भाई फूफा चाई ताई चाचा एक एक जो संबंध है उसके लिए शब्द बने हैं अंग्रेजी में क्या है आंटी अंकल यहाँ पे मामा है चाचा है ताया है जी है अलग एक जो शब्द हैं उनकी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जगह जगह पे हम उन्हें मानते है, हैं माता टिकाते हैं हम माँ है चाची है ताई है ये बस एक ही शब्द लेडी एंड जेंट्स के साहित्यकार साहित्यकारों कारण कैसे कैसे लोगों के मनों को बदला हमारे वेद हैं चार वेद हैं तो वेदों में मंत्र हैं किसी चीज को कैसे प्राप्त करना है उसमें मंत्र हैं ऐसे ही अलग अलग जो चार वेद हैं उनकी अपनी अपनी कोई संगीत का है कोई चिकित्सा का है जी ऐसे चारों वेद हैं इसी तरह से हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का जो खजाना है अगर अगर वेद हैं तो उपनिषद भी हैं अठारह पुराण हैं और ये सारे जो अठारह पुराण हैं ये वेद व्यास ने लिखे हैं और गीता भी गणेश जी से लिखवाई गणेश जी बोलते थे नहीं वेद व्यास जी बोलते थे और गणेश जी, जी लिखते थे तो ऐसा कि मैं देख रहा था इतिहास कि जब महाभारत का जो दो रहा था तो वेद जी ने कहा कि जो मैं बोलना है उसे तुमने अर्थ भी साथ मुझे बताना है गणेश जी चक्र खा गए यद्यपि वो विद्या के बुद्धि के बोधाता हैं, किंतु फिर भी उनके सामने वो चक्र खा गए आकर जो भक्त होता है हैं, उसके सामने जो 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 बड़े बड़े देवता वो भी चक्र खा जाते हैं उनको चक्रों में डाल देते हैं, हैं? तो गणेश जी ने थोड़े से लिखे साथ साथ अर्थ बोलता गया आगे चलता जी उसे मकाबे मैं लिख सकता हूँ मैं मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता <laughs> जी सो <laughs> so, साहित्यकार जितना साहित्य रचा गया इंसान के कल्याण के लिए सूर सागर की बात करते हैं जी तो हम इतिहास में देखते हैं कि सूरदास पांच छे थे जिस सूरदास की हम बात कर रहे हैं चलो इसे मान लेते हैं कहते हैं कि सूरदास ईश्वर के भगवान कृष्ण के अन्य भगत थे और ये किसी मांगने के लिए किसी के कि सन्यासी हो गए किसी के घर मांगने जाते हैं तो वहां बड़ी सुंदर स्त्री है जे उसके ऊपर इनका माना गया काश जे मुझसे प्यार करे जब शाम को ध्यान में बैठे त्मा ने उनको लादन दिया कहते हैं कि उसने दो सलानिया लेकर के अपनी आंखों फोड़ ली कि मैं दोबारा किसी को ना देखूं मुझे किसी का जो रूप है वो मुझे आकर्षित कर सके मेरे कृष्ण के मिलने में वो मुझे बाधा ना पहुंचाए तो जब हम सूर सागर पढ़ते हैं ये सभी हैं तो, है कहानियां हैं उपन्यास है हैं क्या है ने, 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 ने. ये सूर सागर जो है ये कृष्ण के संबंध में लिखा गया है अच्छा। उदो मन नाही उदो मन नाही दस बीस एक हु तो जो गया श्याम संत को आराध्य इस सो so इस तरह के जो लिखा गया है तो हम जैसे कृष्ण बाल रूप उसके बाल लीलाओं का उसका वर्णन किया है वो कैसे उड़ते हैं कैसे गिरते हैं कैसे मुंह को उनका माखन लग जाता है तो पढ़ने वाले इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये सूरदास वो नहीं हो सकता क्यों कि ऐसा आदमी किसी को देख करके ही लिख सकता है वो बोलते होंगे उनको शिष्य को लिखता होगा और कृष्ण को शलिया कहा गया कि गोपियों के साथ वो गोपियों को ऐसे पटाते थे फिर गोपियों उसका नाम शलिया रखा <laughs> और उसकी बाल लीलाओं को देखो कितनी प्यारी प्यारी उनकी बाल लीलाएं हैं जी माटी खाना और माँ को ब्रह्मांड के अपने मुख में मुख के माध्यम से उन्हें सारा ज्ञान कराना और फिर वही उनके माया डाल देना कि माँ मुझे ईश्वर ना समझे इंद्र का अहंकार चूर करना कि इंद्र कहता था कि मुझे पूजो को ना नहीं एक ईश्वर को ईश्वर पूज, पूज, की पूजा करनी है हार करके उन्हें गोवर्धन पर्वत उठाया और उसका जो अहंकार था वर्षा करने का वो सारा चूर चूर किया और जो मथुरा थी उसे सारी की सारी उन्होंने उन्हें और दिखा दिया उसको कि नहीं तू नहीं है कोई और भी तुमसे ऊपर को बैठा हुआ है जिसे सारा जो चरत है सूर सागर में हम देख सकते हैं बड़ा प्यारा है गोपियों की तर्पण गोपियां भगवान कृष्ण को साहित्य में हम देखते हैं कि वो एक प्रेमा अवतार थे और प्रेमा अवतार में उन्होंने प्रेम करने सिखाया कि जो प्रेम हो अगर वो जैसे आज का लड़के कहते हैं प्रेम प्रेम आई लव यू आई लव यू आई लव यू वो लव जो है उनके तन तक सीमित है उनकी आत्मा तक सीमित गया ही नहीं है जहां प्रेम है वहां समर्पण है वहां ब्रह्मचर्य है वहां शुद्धता है वहां पावनता है वहां वचन में बंधता है वैसे भी कहा जाता है कि प्रेम की कोई भाषा नहीं प्रेम की मैं तीन शब्द पढ़ रहा था मैं एक जगह मैंने तीन शब्द पढ़े यूके में बेटे के पास गया तो हम कहीं दूर घूमने गए तो सुबह बेटा कहने पापा नाश्ता करने में चलो किसी होटल में आए तो कप्ता जी वहाँ पे तीन शब्द थे पहला शब्द था कि एक शब्द उनमें लफ था और एक लाफ था और एक लिव था लिव लाफ और लव उसकी आगे उसने व्याख्या की थी लिव एवरी मोमेंट फिर आ गया लाफ लाफ एवरी डे फिर आ गया लव द वर्ड्स कि हम हर समस्या आती है तो हर क्षण हम मरते हैं कहता नहीं हर क्षण जो है तुम्हें जिंदा रहना है मरना नहीं है यह तो जिंदगी का खेल है यह धूप ये है। जीवन का इसी का तो नाम है लिव एवरी मोमेंट आगे बात आती है लफ की कि आदमी को हर रोज हंसना चाहिए hmm. हम योगा में जाते हैं दो मिनट के लिए हंसाते हैं और पूरी जो उसकी टेंशन है जो मानसिकों से तनाव है वो सारा दूर होता है भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं कि सर्दी है या गर्मी है हार है या जीत है मान है या अपमान है उसे सम करके जियो तुम्हारी मान स्थिति ठीक रहेगी और लव की बात आती है कि प्रेम की परिभाषा को ये शब्दों में नहीं बांधी जा सकती कृष्ण के, के प्रति जो मीरा का प्रेम था जो सूरदास का राम के प्रति था जो सूरदास का कृष्ण के प्रति था और जो रामदेव का भगवान के प्रति था जो रहस का अपने ठाकुर के प्रति था इन शब्दों को इस प्रेम की प्रेम के शब्द को हम बांध नहीं सकते जिस शब्दों से बाहर की बात है जो करता है वो जानता है उसमें क्या रास् है और जिन जिस कबीर साहब ने लिखा है जिन प्रेम की ओतन ही प्राप्त है प्रेम की परिभाषा अन्य है प्रेम प्रेम का जो स्वाद है वही जानता है जो ईश्वर से करता है तो कविता जी हम इतना कह सकते हैं कि साहित्यकारों ने मानव जाति को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ लिखा है कि ताकि जो समाज है मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी ले और अपने जीवन को सफल बनाए अपने देश को सफल बनाए अपनी जाति को सबल और प्रबल और प्रबल चेतन बनाए। बहुत अपने आपके आपने कुछ अलग ही दर्शाया अलग ही लिखा अलग ही बताया अलग ही समझाया अगली कड़ी में आपके साथ एक नई कविता के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत धन्यवाद शुक्रिया मित्रों साहित्यकार में आपने समझा कि क्या चीज है साहित्यकार इस साहित्यकार को लेकर बड़े बड़े लेखक बड़े बड़े कवि भी इसमें शामिल है साहित्यकार समझना बहुत जरूरी है अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति नमस्कार ओम शांति